आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ में साल्हेवारा वनांचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायत गेरू खदान स्थित उचित मूल्य की दुकान में हेरा फेरी का मामला प्रकाश में आया है। गुरू खदान सहित आसपास के लगभग 6 गांव के 452 राशन कार्डधारियों को इसी उचित मूल्य की दुकान से राशन मिलता है। सभी हितग्राही उक्त उचित मूल्य की दुकान की कार्यप्रणाली और राशन वितरण में हेराफेरी सहित अन्य गड़बड़ी से लगातार परेशान होकर अपने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 के सदस्य श्रीमती ममता राजेश पाल को इस संबंध में लिखित रूप से अवगत करते हुए उनके मार्गदर्शन में इस मामले की लिखित शिकायत SDM डॉ. दीप्ति वर्मा को करते हुए जिला कलेक्टर को इसकी प्रतिलिपि प्रेषित किए थे, जिस पर फूड इंस्पेक्टर गरिमा शोरी जांच करने गेरू खदान स्थित उचित मूल्य की दुकान पर गई थी। ग्रामीणों का साथ देने एवं निष्पक्ष जांच हो इस बात के लिए जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 1 की श्रीमती ममता पाल एवं उनके साथ जिला कांग्रेस महासचिव राजेश पाल भी मौके पर पहुंचे हुए थे। गांव के मंच में शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया, जहां पर ग्रामीणों ने अपनी शिकायत बताई कि सेल्समैन तिलोक यादव पिता सुखराजी बीते 10 साल से अधिक समय से सेल्समैन का काम कर रहा है और राशन देने के नाम पर हितग्राहियों के राशन में लगातार कटौती कर ऊपर की कमाई कर रहा है। जिस हितग्राही को 35 किलो चावल मिलना चाहिए उसे 10 किलो चावल दे रहा है, जिसे 20 किलो चावल मिलता है उसे 10 किलो चावल दे रहा है। मिट्टी तेल में कांटा मारा जा रहा है, मिट्टी तेल में मिलावट रहती है, शक्कर कभी कभी मिलता है, चना और दाल भी कभी कभी ही मिलता है। इस प्रकार के और भी जालसाजी करने का मामला है। सेल्समैन हितग्राहियों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। सवाल पूछो तो कहता है कि शासन द्वारा इतना ही चावल भेजा जाता है, लेना है तो लो। इस प्रकार का मामला पूर्व में भी 2-3 बार हो चुका है, परंतु गांव वालों से सेल्समैन माफी मांग कर बच जाता रहा है, जिसके कारण इसका मनोबल बढ़ गया है। हालांकि 5 साल पहले हम ग्रामवासियों ने इसकी लिखित शिकायत भी किए थे, मगर जांच के नाम पर गोपनीय ठग से अधिकारी राशन दुकान में आए और सेल्समैन से मिली भगत कर खाना पूर्ति कर चले गए थे, जिसके बाद सरकारी काम से हम लोगों का भरोसा उड़ गया था। अभी किए शिकायत के बाद हम ग्रामवासियों ने गोदाम में ताला जड़ दिया था। उम्मीद है इस बार सही और निष्पक्ष कार्यवाही होगी। अब इस पूरे मामले पर देखना यह होगा कि गरीब हितग्राहियों को कब तक न्याय मिलता है और उनके हक का राशन जो क्विंटलों के भाव आज तक कटौती किया गया है, शासन किस प्रकार भरपाई करता है। ग्राम पंचायत के ग्रामवासी द्वारा राशन कम मिलने की शिकायत आई थी मेरे पास, तो मैं आज यहाँ पे संबंधित अधिकारियों के साथ जांच पे आई हूँ और जांच के उपरांत यहाँ जो शिकायत है वो सही पाया गया है। अंत्योदय कार्ड में जो चावल देना है 35 किलो, उसके साथ साथ अभी कोरोना काल में एक व्यक्ति को 5 किलो चावल देना है, वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा नहीं वितरण किया गया है। तो यहाँ पे ग्रामवासियों के हक का हनन हुआ है यहाँ पे, जो कि यहाँ के ग्रामवासी अपना रोजी मंजूरी किसानी करके अपना पेट पालते हैं, उनके हक पे डाका डाला गया है। तो हम आरोपी को, दोषी को सख्त से सख्त कड़ी सजा देंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ संबंधित अधिकारी न्यायपूर्वक यहाँ का जांच करेंगे और यहाँ जांच न्यायपूर्वक नहीं हुआ तो मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी और ग्रामवासियों को न्याय दिलाऊंगी। मामला यहाँ ऐसा है कि मतलब सोसाइटी में मतलब चावल वितरण मतलब किया जाता था पहले, मतलब कर रहा था, मतलब उसमें मतलब गलती पाया गया, उसका पूरा मतलब गलती पाया गया कि जो एक जन है उसमें भी मतलब जो अंत्योदय कार्ड है उसमें मतलब 35 किलो का है, उसमें मतलब 10 किलो देते हैं। इसी गलती के कारण मतलब सब जनता एकत्रित होकर मतलब इस जहाँ ये मुद्दा को उठाया गया है और इस जांच पड़ताल में भी मैडम आए तो उसमें भी सही साथ में मतलब गलती पाया गया है। आपके यहाँ सेल्समैन कौन है? यहाँ का सेल्समैन मतलब समूह द्वारा किया जाता है, मतलब समूह वाले मतलब वो विमला भाई और समूह है वही वितरण किया जाता है। अच्छा, मतलब उसी के द्वारा किया गया है, मतलब देने वाले जो सेल्समैन बांटते हैं ना उसी के द्वारा मतलब गपला किया गया। सेल्समैन का क्या नाम? उसका तिलोक नाम, पिता तिलोक, पिता मतलब सुखराजी। अच्छा, ये मामला हुई कि गरीब मामला जो है ना वो कोरोना चावल जी आते ओखर कटौती करके चना में कटौती हमन है एक समूह बैठक लगाए पूरा पंचायत के उमन सब बतें चावल मिट्टी तेल सरकार सभी चीज में कटौती थे ऐसे करके अन्याय होते थे कि सब लोग इकट्ठा हुई इकट्ठा होकर फिर अपन अपन उच्चाधिकारी कर शिकायत करें। शिकायत के मुताबिक आज उच्चाधिकारी है जाँच करे बरा है
और हमारे शिकायत नहीं सही पाए गए हैं। तो हम आशा करथन कि ये शिकायत में हमला संतुष्ट मिले, प्रावधान होगा वो तो उचित बात है, लेकिन जो इन लोगों को राशन नहीं मिल पाया उसके लिए वो स्वयं भरपाई करेगा, वो स्वयं भरपाई करेगा। और ये जो भरपाई की प्रक्रिया ये उसको बेसिक बेसिक पहले ही हो जाएगी, पैसे चलते रहेगी और भरपाई के लिए अलग से ऑर्डर निकलेगा उसको मैडम की ओर से। अच्छा, वही मैं पूछ रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।